छेड़छाड़ के मामले में दो दिन पहले ही जमानत पर छूट कर आए एक विशेष समुदाय के युवक ने फिर उसी बालिका के घर के सामने पहुंचकर अश्लील बातें करने का दुस्साहस कर डाला। मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर के थाना रामकोट इलाके के मधवापुर गांव का है। यहां दो दिन पूर्व छेड़छाड़ के मामले में जमानत पर जेल से छूटने के बाद एक विशेष समुदाय के युवक ने फिर से गांव की ही एक किशोरी के घर के सामने पहुंचकर अश्लील बातें की तथा बालिका को डराया धमकाया। विशेष समुदाय के युवक की इस हरकत से हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के साथ ग्रामीण आक्रोशित हो गए तथा सैकड़ों की संख्या में आरोपी के घर घेर लिया गया। अपना घर घिरा देखकर आरोपी पीछे के रास्ते से फरार हो गया। जब घटना की जानकारी पुलिस को पता चली तो पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने जानकारी दी कि आरोपी का नाम फुरकान है तथा आरोपी ने बालिका के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट किए हैं, जिसके चलते आरोपी के विरुद्ध आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत करते हुए हिरासत में ले लिया गया है तथा जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि माननीय न्यायालय द्वारा फुरकान को दी गई पूर्व में जमानत को निरस्त कराने की भी कार्यवाही की जाएगी। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने क्या जानकारी दी। थाना रामपुर के अंतर्गत से पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है उसको एक व्यक्ति के द्वारा परेशान किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा इस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जेल से या बेल पर कुछ दिन पूर्व छूट कर आया। उसके पश्चात इसने फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर जो लड़की है उसके विरुद्ध पुनः इस तरह की कमेंट करते हुए कुछ पोस्ट किए हैं। उनका संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा इसके विरुद्ध आईटी एक्ट धारा 293 के अंतर्गत पुनः मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस व्यक्ति जिसका नाम फुरकान है इसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पहले मामले में भी इसकी बेल कैंसिलेशन के लिए माननीय न्यायालय से अपील की जा रही है और इसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सदागति टाइम्स।